नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज की ये जो खबर है बेहद दर्दनाक खबर है, एक परिवार के लिए काफी गहरे सदमे की खबर है। दरअसल अभी हाल ही में नवरात्रि महोत्सव जारी है और जगह जगह पर नवरात्रि महोत्सव अंतर्गत गरबा डांडिया रास जारी है। इसी गरबा महोत्सव अंतर्गत विरार से जो घटना सामने आई है वह घटना काफी दर्दनाक है। विरार के ग्लोबल सिटी एवरशाइन एवेन्यू बिल्डिंग में रहने वाले एक युवक मनीष जैन की गरबा खेलते खेलते हार्ट अटैक होने से मौत की दुखद खबर सामने आई। और इतना ही नहीं, इस परिवार पर पहाड़, दुखों का पहाड़ इतना बड़ा टूटा कि जब मनीष गरबा खेलते खेलते हार्ट अटैक का शिकार हुआ और जब उसको अस्पताल पहुंचाया गया, विरार के संजीवनी अस्पताल में जाने के बाद में जब संजीवनी अस्पताल ने मनीष की मौत पर मुहर लगाई, तब एक और हादसा सामने आया। मनीष के पिता नरपत जैन, उन्होंने भी इस तरह से अचानक चल बसे अपने बेटे के गम में सदमा जो लगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको भी वहीं पे हार्ट अटैक आया और एक साथ एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई। पिता पुत्र दोनों एक ही दिन में चल बसे। अभी हाल ही में कुछ ही महीनों पहले मनीष की शादी, बड़ी धूमधाम से शादी की थी इसके पिता ने, तो अब समझ सकते हैं कि मनीष की पत्नी और मनीष की माता जो कि नरपत जी की पत्नी है, दोनों ही महिलाओं पर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। हम अपनी संवेदना इस मामले में प्रकट करते हैं। ये जो घटना है काफी बहुत बड़ा आघात पहुंचाने वाली घटना है। आपको यह भी बता दें कि पिता पुत्र दोनों ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े थे और अच्छा खासा इनका अपना व्यवसाय था, अच्छा खासा इनका प्रतिष्ठित नाम था, लेकिन होनी ने कुछ ऐसा किया कि आज दोनों ही इस दुनिया को छोड़ चले। ये कोई गरबा खेलने से नहीं हुआ, लेकिन अनहोनी हादसा है, हो गया। त्योहार का इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सजग रहना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए। तो इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी का क्या कुछ कहना है वो आप आगे वीडियो में देखिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। उनके पिताजी की जो फैमिली है वो हमारे सोसाइटी के फाउंडर मेंबर्स, मतलब जो भी सोसाइटी का पोजीशन हुआ है वो स्टार्टिंग के मेंबर्स से, मतलब अर्ली मेंबर्स जो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और काफ़ी रिस्पेक्टेड फैमिली थी। मतलब बहुत ही, कहते ना, जो भी आप किसी भी सोसाइटी में किसी से भी आप जाके पूछ लीजिए, मतलब अंकल के फेस से लोगों की मॉर्निंग की शुरुआत होती थी और मनीष के मजाक से, कहते ना, यहाँ पे लोगों की रातें होती थी। मतलब इस तरह से यहाँ पे टाइम निकलता था और कहते ना किसी के सोसाइटी में, क्या आप यहाँ पे इनका जो जैन समाज है, अंकल वहाँ पे शायद जैन समाज के अध्यक्ष थे, तो आप किसी से भी पूछ लीजिए। उनके स्वभाव में कुछ ऐसा नहीं था कि, कहते ना, कि लोग कुछ गलत बोले उनके बारे में। किसी के घर में कोई ज़रूरत हो, कोई मुसीबत हो, पूरी फैमिली खड़ी रहती थी। और यहाँ पे भी, कहते ना, लोगों को काफ़ी झटका लगा, सडन ऐसी चीज़ें हो गई थी, तब लोग ऐसे थे कि विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि अचानक से ये इतना बड़ा झटका सोसाइटी को और उनकी फैमिली को लग गया। मनीष क्या करते थे, उसके पिता भी कहते थे, मनीष और अंकल को दोनों का बिजनेस था, दोनों एक ही बिजनेस करते थे, तो और कुछ ट्रेडिंग का उनका बिजनेस था और दोनों उसी में थे। मनीष के कुछ फिलहाल शादी भी हुई थी कुछ बच्चे, जी हाँ, मनीष की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, काफ़ी अच्छे धूमधाम से अंकल ने की थी शादी। हमारी तो पूरी फैमिली थी उसमें और हमने देखा था सारे लोग खुश थे, लेकिन सडनली ये सब अचानक से हो गया, तो आई डोंट नो क्या कहना चाहिए, मेरे पास भी शब्द नहीं है। कल क्या हुआ रात में? कल नहीं, ये एक्चुअली सैटरडे को शायद कुछ अनईजी हुआ गरबा खेलते खेलते, तो वो घर चले गए। घर पर शायद उनकी तबीयत कुछ बिगड़ी, तो फिर इतना कुछ वो नहीं लगा कि क्या हो गया क्या नहीं। नॉर्मली फैमिली डॉक्टर के पास गया अपने, तो वहाँ से उनको दूसरे हॉस्पिटल जो स्टेशन के पास है संजीवनी हॉस्पिटल, वहाँ रेफर किया गया,
बट शायद वो पहुँच ही नहीं पाए दोनों वहाँ पे, और वहाँ पहुँचने के पहले ही मतलब उन्हें शायद अटैक आ गया था और ये सब हो गया था, ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए। फादर को बाद में आया है फादर? जी हाँ, मम्मी उसको पहले हुआ था और अंकल शायद वो सदमा बर्दाश्त नहीं करता और उन्हें भी ऑन द स्पॉट पे ये सब अटैक आ गया। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।